नमस्ते दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अंदर जो स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स और स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन लाइंस। तो जैसे पावर स्टेशंस होते हैं या फिर जो मेन स्टेशंस होते हैं, सब स्टेशंस होते हैं, तो वहां से आपके रेसिडेंस में या इंडस्ट्रियल एरिया में जो पावर सप्लाई होता है, वो लाइंस जो होती है उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइंस। यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन लाइंस अलग अलग वोल्टेज या अलग अलग कैपेसिटीज की होती है और उसके बेसिस पे उसके जो पोल्स, उसका पोल का स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रेंथ, उसके जो कैपेसिटीज और उसके जो वायर्स है, वो उस हिसाब से डिजाइन होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई देता है कि ये टिपिकल प्रपोज स्ट्रक्चर फॉर द हॉर्सशू बेंट लैसविक प्रोजेक्ट वाले हैं, जो नॉर्मली हमको सभी जगह आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो सिटी एरिया या विलेज एरिया हो। और ये जो डबल सर्किट वाले जो स्ट्रक्चर है, ये भी आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इसका हाइट आपको पता चलता है, ये हाइट से ही आपको पता चलेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये हेवी है। और ये हेवी स्ट्रक्चर क्यों है, उसका रीजन भी है, क्योंकि जो भी वायर से ये इसके वायर का जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी हायर साइड में है और इसमें जो पावर है वो भी पावर हायर साइड में हो सकती है। तो इसकी वजह से अगर इनकेस ये स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है या फिर ये वीक होता है या फिर ये जो लाइन से अगर ये ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से फैटलिटी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये डबल सर्किट वाला जो टावर्स है, इसको डबल सर्किट 345 केवी लैटिस टावर कहते हैं। उसके अलावा भी ये टिपिकल सिंगल सर्किट 138 केवी वुड और स्टील पोल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो टिपिकल सिंगल सर्किट 138 केवी एच फ्रेम वाला स्ट्रक्चर है और ये है टिपिकल सिंगल सर्किट 69 केवी वुड पोल स्ट्रक्चर, वुडन से बना है, ये मेटल स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर एच टाइप है, इसलिए इसको एच स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन हर स्ट्रक्चर का हाइट, हर स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, हर स्ट्रक्चर का कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट जो था तो इसमें 345 केवी था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 138 केवी है, यहाँ पे 138 केवी, 69 केवी और यहाँ पे 12 केवी या 34.5 केवी तक भी ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। और ये पर्सन दिखाने का या फिर ये जो व्हीकल दिखाने का मेन इंटेंशन ये है कि आपको इस प्रोपोर्शन में आपको पता चले कि ये जो पोल्स यूज होते हैं या कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन लाइन के लिए, उसका हाइट कितना है। तो इस हिसाब से सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है या फिर हजार्ड है, वो है हाइट। तो इस लेंथ के या फिर अलग अलग पार्ट्स भी अगर होते हैं, तो ये पर्टिकुलर हाइट पे इसको असेंबल करना या इसको ज्वाइन करना, वेल्ड करना या फिर जो अलग अलग उसके पार्ट से उसको इंस्टॉल करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन टाइम के लिए आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने होंगे। और जैसे ही इसमें वायर इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद में इसमें जो सप्लाई होगा, वो सप्लाई की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स भी जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो ओवरहेड लाइंस होती है उनको डी एनर्जाइज करना पड़ेगा या फिर उसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी आपको काम करना है वो स्टार्ट करने के पहले वो एनर्जी सप्लाई कट करना चाहिए। इन केस अगर एनर्जी सप्लाई कट करना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट उसकी ग्राउंडिंग करना नेसेसरी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन के प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो, अगर जो भी आप काम करते रहेंगे। जो भी पर्सन यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन में ही या ऑपरेट करता हो, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए या फिर जो लाइंस आपको ऑपरेट करनी चाहिए, वो लाइंस की भी आपको क्लियर कट आइडिया होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सर्किट है वो रॉन्गली कनेक्ट ना हो और जिसकी वजह से यहाँ पे कोई हादसा ना हो। तो इसलिए आपको ये डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जो भी आप पोल पे काम करते होंगे या फिर ओवरलैंड्स के लिए काम करते हो या फिर जो मेंटेनेंस के लिए आप काम करते होंगे, तो प्रोटेक्टिव मेजर आपको यहाँ पे लेने हैं। कहीं पे आपको गार्डिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, कहीं पे आइसोलेशन भी
करना चाहिए या फिर कहीं पे आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे इंसुलेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है। तो अगर कुछ टूल्स आपको यूज करना है तो कुछ टूल्स आप इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड टूल्स भी यूज कर सकते हैं, और वो जो भी स्पेसिफिक वर्क करते हैं आप उसके लिए डिजाइन होने चाहिए। और यहाँ पे जो डायरेक्ट आपका लाइन से कॉन्टेक्ट अगर होता है तो वहां पर आपको ये जो मटेरियल है ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा। तो कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, मटेरियल जो कंडक्टिव मटेरियल है उसकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो स्पेसिफिक टास्क क्या है उस हिसाब से आपको ये कुछ जो टूल्स है वो आपको प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो जो भी क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पे रहेगा वो क्वालिफाइड पर्सन को ही उसके ऑब्जर्वेशन के अंडर ही ये पावर ट्रांसमिशन के या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का काम करना चाहिए, और उसके डिटेल्स गाइडलाइंस भी या जो सीक्वेंस होता है प्रोसीजर का वो भी यहाँ पे ओशाज में दिया है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी जो रूल प्रोविजन है इंडिया में वो भी आप रेफर कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये सभी चीजें गाइडलाइंस दी चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक लाइंस में अगर आप वर्क करते हैं और वहां पे अगर अनक्वालिफाइड पर्सन वहां पे वर्क करता है तो उसके लिए गाइडलाइंस अलग है और क्वालिफाइड पर्सन के लिए कुछ गाइडलाइंस अलग है। तो यहाँ पे अगर अनक्वालिफाइड पर्सन जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट्स का या जो वर्क होता है उसका नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर वो ओवरहेड लाइंस के आसपास वो एलिवेटेड पोजीशन में काम कर सकता है, और उसका जो लोकेशन है वो पर्सन को क्लियर मालूम होना चाहिए। उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो लॉन्गेस्ट कंडक्टिव ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसके साथ होना चाहिए, या फिर वो कुछ पोल्स या लाइंस के साथ भी टच हो सकता है, उसको भी आपको केयर लेना चाहिए। या फिर अगर वहां पे कोई गार्डिंग प्रोविजन नहीं होती या फिर यहाँ पे ओवरहेड लाइन एनर्जाइज होती है तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है और जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ये डिस्टेंसेस आपने यहाँ पे मेंटेन नहीं रखे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस है, और अगर ये इलेक्ट्रोक्यूशन केस होती है तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। इलेक्ट्रोक्यूशन यानी क्या, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक हजार्ड्स की वजह से ये एक्सीडेंट फैटलिटी में कन्वर्ट होना, तो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मेन पर्सन का लॉस होता है। इसीलिए आपको जो डिस्टेंसेस है ये आपको यहाँ पे मेंटेन रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे गाइडलाइन दी चुकी है कि अगर वोल्टेज जो है तो 50 kV या उससे कम होता है तो कम से कम 10 फीट का आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अगर ये 50 kV प्लस वाले वोल्टेजेस है तो यहाँ पे 10 फीट ये मिनिमम क्राइटेरिया प्लस 4 इंचेस फॉर एवरी 10 kV। तो ये आपको हर 10 kV यहाँ पे जैसे जैसे एडिशन होगा वहां पे उस हिसाब से आपको ये 4 इंचेस ऐड करके जाएंगे, और फिर यहाँ पे ये 50 kV प्लस में जितना होगा, जैसे अगर आपने केस कंसिडर किया 70 kV है तो 70 kV के लिए आपको 10 फीट का डिस्टेंस तो रखना ही है और उसमें एडिशनल 20 kV यानी कि 10 kV के लिए 4 इंचेस और दूसरे 10 kV के लिए 4 इंचेस। तो 10 फीट और 8 इंचेस का डिस्टेंस क्राइटेरिया आपको फॉलो ही करना है। तो ऐसे अलग अलग जो केवी की लाइंस होती है उनके लिए ये बहुत सारे डिस्टेंस क्राइटेरियाज भी है, जिसकी वजह से अगर अनक्वालिफाइड पर्सन भी वहां पे आता है और उसके पास अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है या फिर जो टूल्स है जो इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड टूल्स रहते हैं वो है, उसके अलावा अगर ये डिस्टेंसेस फॉलो होते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस आप कम कर सकते हैं। अगर क्वालिफाइड पर्सन वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन पे काम करता है तो क्वालिफाइड पर्सन को ऑलरेडी ओवरहेड लाइंस उसमें से जाने वाली जो एनर्जी यानी कि केवीज में तो कितनी लाइंस, कितने केवी की लाइंस है और इसकी वजह से अगर ये टच होता है तो क्या होता है ये सब उसको मालूम रहता है, तो उसकी वजह से वो सीरियस होता है और जो भी डिस्टेंस क्राइटेरिया है वो डिस्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से वो काम करता है। जिसको अगर मालूम नहीं होता है तो उसको आपको बताना चाहिए कि इतना मिनिमम डिस्टेंस पे ही आपको ये काम करना है। तो जो पर्सन एनर्जाइज पार्ट पे काम करता होगा तो यहाँ पे उसको इंसुलेटेड ग्लोव्स
या स्लीव्स जो होते हैं वो इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होने चाहिए, या फिर जो वोल्टेज का क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से उसका रेटिंग के टूल्स और इक्विपमेंट्स आपको यूज करनी चाहिए या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करनी चाहिए। तो अगर क्वालिफाइड पर्सन होता है तो उसको ये परमिशन होती है कि आप एनर्जी या एनर्जाइज पार्ट में या एनर्जाइज लाइंस में भी काम करते हैं, लेकिन उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे तो ही आप इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स या फिर एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। अभी एनर्जाइज पार्ट में अगर आप काम करते हैं तो वहां पे इंसुलेशन होना बहुत जरूरी है, और जो कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स है वहां पे वो अलग अलग पोटेंशियल पे भी हो सकते हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टच या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली टूवर्ड्स वायर जा सकता है या फिर वो अवे फ्रॉम द वायर जा सकता है। तो वो डिपेंड्स है एग्जैक्टली शॉक कैसे लगाया है आपको, तो दोनों केस में ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपकी पोल की हाइट हायर साइड में है और इतने हाइट से अगर आप गिरेंगे तो यहाँ पे फैटलिटी के भी चांसेस होते हैं। तो जब भी आप अगर हाइट पे काम करते हैं तो वहां पे आपको सेफ्टी हार्नेस भी यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी आपको कैलकुलेशंस करने हैं, और उसके बेसिस पे फिर आपके जो इंसुलेशन है वो इंसुलेटेड मटेरियल आपको यूज करना चाहिए। तो ये क्वालिफाइड पर्सन को ही ये कैलकुलेशंस एनर्जीज के या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है, वोल्टेज डिफरेंसेस है, करंट का फ्लो जो है या फिर कितनी केवी के लाइन से, इसके बारे में पता रहेगा और उसके बेसिस पे वो इंसुलेटिंग मटेरियल भी चॉइस कर सकेगा। अभी ये एक प्रॉब्लम होता है ओवरहेड लाइंस में। तो जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन मशीनरी या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने कहा था कि अगर आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं जो हेवी इक्विपमेंट्स हैं, या फिर उसकी लेंथ या हाइट ज्यादा होती है, या फिर उसकी मूवमेंट इतनी होती है कि वो ओवरहेड लाइंस को टच कर सकते हैं, तो ऐसी जगह आपको यहाँ पे केयर लेनी है कि अगर ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ पे होते हैं या फिर वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, तो उन लोगों को आपको ये बताना है कि आपको कम से कम 10 फीट का क्लियरेंस रखना है, यानी कि डिस्टेंस रखना है, और उसके बाद में ही आपको ये एक्टिविटी करना है। तो जैसे ये भी हमने बात की थी कि अगर ये 50 केवी के अंदर होता है तो कम से कम 10 फीट है, और 50 केवी के अगर ऊपर जाता है तो हर 10 केवी के लिए आपको कम से कम 4 इंचेस एडिशन करके ही आपको डिस्टेंस वहां पे मेंटेन करना है। उसके अलावा जो इंसुलेटिंग बैरियर्स होते हैं तो वो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कुछ नॉलेज चाहिए या ट्रेनिंग्स थ्रू आपको जाना चाहिए, और ये जो लाइंस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अवॉइड करने वाले बैरियर्स है वो आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। अगर ये बैरियर्स का आपने टेस्टिंग किया होगा या फिर IS प्रोसीजर थ्रू ये आया होगा या फिर उसका एक पर्टिकुलर रेटिंग होता है, वो रेटिंग का ही ये होगा, तो जो भी आपकी वोल्टेज की लाइन होगी उससे वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर गार्डिंग प्रोवाइड हो सकती है। तो डायरेक्टली अगर व्हीकल अटैचमेंट भी होता है तो उनको अगर वो बैरियर्स को टच होता है तो वहां से वो एनर्जी सप्लाई नहीं होगी और जो इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस है वो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लियरेंस मेंटेन करना है, इनकेस अगर वो बाय मिस्टेक टच भी होता है तो वहां पे अगर आपने बैरियर्स प्रोवाइड किए होंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई वो इक्विपमेंट को प्रोवाइड हो सकती है या फिर वो पर्सन को प्रोवाइड हो सकती है, तो ये भी चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये जो ओवरऑल डिस्टेंसेस क्राइटेरिया या डायमेंशन है इसका भी जजमेंट आना जरूरी होता है। उसके अलावा जो एरिया लिफ्ट होती है, तो ये लिफ्ट जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पर भी इंसुलेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक हजार्ड्स, इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड बेसिस पे ही ये काम करती है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वालिफाइड पर्सन है वो भी यहाँ पे ध्यान देखते हैं कि इसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसमें जो ग्राउंडिंग नेसेसरी है या फिर इंसुलेशन प्रोवाइड करना है तो वो इंसुलेशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे अगर इनकेस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे मेजर इंजुरी नहीं होनी चाहिए या फिर फैटलिटी नहीं होनी चाहिए, उस पर आपको ध्यान रखना है।
तो ये थे ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स।